हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना। वेलकम टू आई एग्जाम भी। स्टूडेंट्स, वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर एंड वी ऑल्सो अपडेट यू जो भी नोटिफिकेशन आती हैं। सो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी, अ वेरी गुड न्यूज़। सो 2024 में एक बड़ा नोटिफिकेशन आ चुका है, दैट इज़ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। इसके एग्जाम काफ़ी सारे पहले भी आ चुके हैं नोटिफिकेशन, और अब जर्नलिस्ट का नोटिफिकेशन आ गया है फॉर AO, राइट, एडमिन ऑफिसर के लिए पोस्ट आ चुकी हैं। पहले इसने AO का एग्जाम निकाला था फॉर स्पेशलिस्ट, एंड देन असिस्टेंट का, क्लेरिकल लेवल का भी देखने को मिला, लेकिन जर्नलिस्ट का काफी सारे बच्चे ग्रेजुएट वेट कर रहे थे, तो आ गया है फाइनली नोटिफिकेशन। सो वेरी गुड न्यूज। सो स्टूडेंट, आइए बात करते हैं क्या है। आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके, और आप लिंक डायरेक्टली आप लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो AO की पोस्ट है इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं इसके नोटिफिकेशन में क्या है। सबसे पहले 250 वैकेंसी है, गुड नंबर ऑफ वैकेंसी, 250 वैकेंसी यहाँ पे आई है, और ये AO की पोस्ट है, एंड ये ऑल इंडिया, पैन इंडिया बेस्ड होती है, स्टेट वाइज यहाँ पे नहीं होती है, ऑल इंडिया बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 250 वैकेंसी है, जिसमें से आप देख सकते हैं जनरल की 102 है, और बाकी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देख सकते हैं। सो अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे आई है। एलिजिबिलिटी क्या है, हर कोई ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे लिखा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज डिग्री विद 60% मार्क्स, तो 60% आपको चाहिए, और कैटेगरी में अगर आप हैं SC ST में तो 55 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको जो डिग्री चाहिए ना, वो 31 दिसंबर तक आपकी डिग्री होनी चाहिए, मतलब जो अगले साल ग्रेजुएट होंगे वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ के साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, एज लिमिट यहाँ पे है 21 से 30, मिनिमम 21, मैक्सिमम 30। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन दोनों डेट के बीच में होना चाहिए, 1 जनवरी 1994 से लेके 31 दिसंबर 2002 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 94 से 2002 के बॉर्न बीच में जो बच्चे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। एंड रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे, SC ST को 5 ईयर, OBC को 3, PWBD को 10 ईयर्स, तो 21 से 30 वाले अप्लाई कर सकते हैं विद ग्रेजुएशन 60%। कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन रहता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अप्लाई करने का जो फीस है दैट इज 1000 फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स SC ST PWD के लिए, एंड बाकियों के लिए 250 प्लस GST है, GST अलग से है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कल से 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 23 जनवरी इसका लास्ट डेट रहेगा, एंड एग्जाम जो है वो फेब के अंदर यहाँ पे टेंटेटिव हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट हो जाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए, इतना बड़ा पेपर आ गया है। एंड सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 साल के बाद पेपर हुआ है, और इस पेपर में आपको एक ही एग्जाम देना है, दैट इज द गुड पार्ट, एक ही एग्जाम देना है, और कोई डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी यहाँ पे नहीं है। एग्जाम पैटर्न में थोड़ा चेंज हुआ है पिछली बार से, मैं आपको बताऊंगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन एग्जाम होना है, एक ही एग्जाम और इंटरव्यू होगा, तो प्री मेंस वाला झंझट यहाँ पे नहीं है। और उसमें क्या आना है, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये 5 सेक्शन यहाँ पे आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, बस। और इसमें अगर आप देखें, इंग्लिश का वेटेज 40 का है, GA का 40 का है, कंप्यूटर का 20 का है, और मैथ रीजनिंग दोनों का 50-50 है। तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर के लिए, और 2 घंटे का कॉम्पोजिट टाइम है। स्टूडेंट, यहाँ पे अच्छी बात यह है, कॉम्पोजिट टाइम है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको नहीं देना है, आपको मेंस का कोई और अलग से एग्जाम नहीं देना है, एक ही एग्जाम है। सो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड न्यूज, बहुत अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि आपको सेक्शन वाइज टाइम नहीं मिलता है, कॉम्पोजिट टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हर कैंडिडेट को अप्लाई करनी चाहिए, और इंश्योरेंस सेक्टर डेफिनेटली कई मायने में बैंकिंग सेक्टर से अच्छा होता है, चाहे वो सैलरी की बात हो, चाहे वो वर्क प्रेशर की बात हो, वर्क लोड की बात हो, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसको आपने मिस नहीं करना है। सैलरी की जो बात कर रहे थे, दैट इज 88,000 स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सैलरी है टोटल आपकी 90,000 के आसपास आपको यहाँ पे सैलरी मिलता है। जो बेसिक पे है वही 51,000 है, प्लस आपके हर महीने जो हर साल जो है वो इंक्रीमेंट होते रहते हैं, तो आपको बेसिक 51 मिलता है। अगर आप सारे अलाउंसेस यहाँ पे मिला देते हैं तो ढेर सारे अलाउंसेस यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं, तो वो सब मिला के 90,000 की सैलरी मिलती है। एंड यहाँ पे
स्टार्टिंग में देना पड़ता है. प्रोबेशन पीरियड आई थिंक यहाँ पे होगा 1 ईयर का. यस, एंड यहाँ पे एक बॉन्ड भी होता है कि आपको मिनिमम कुछ इयर्स का यहाँ पे बॉन्ड होता है और साथ के साथ कुछ एक अमाउंट भी होता है अगर आप छोड़ के जाते हैं. बट आई थिंक इसके बारे में आपको चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको इससे अच्छी जॉब मिलेगी तभी आप इस जॉब को छोड़ेंगे, अदरवाइज तो कोई भी नहीं छोड़ेगा और ये गवर्नमेंट जॉब है स्टूडेंट्स. और अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कुछ पैसे देने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. सपोज करिए आप इसके साथ तैयारी करते करते आरबीआई का पेपर निकाल लेते हैं, नाबार्ड का पेपर निकाल लेते हैं, जहां पे आपकी सैलरी ही 2 लाख के आसपास होने वाली है, तो फिर ये अमाउंट देने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. इनकेस आप पहले भी छोड़ के जाते हैं, डेफिनेटली आप छोड़ेंगे तभी जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वरना कोई क्यों जॉब क्यों छोड़ेगा, राइट? तो स्टूडेंट इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी, चिंता करनी है कि ये पेपर कैसे. 8 साल के बाद ये वैकेंसी आई है. मेरे हिसाब से 2016 में लास्ट वैकेंसी आई थी, तब जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों साथ में आए थे. और अभी स्पेशलिस्ट का तो पहले आ गया था, जर्नलिस्ट का नहीं आया था, तो फाइनली आ चुका है. पिछली बार 220 वैकेंसी थी, इस बार 250 वैकेंसी है. पिछली बार स्टूडेंट यही पेपर था पैटर्न का, लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी देना था. तो स्टूडेंट्स ये एक यहाँ पे एक फैक्टर है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को हटा दिया गया है. अभी आपकी अगर कोई भी क्वेरी है इस एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आप एक गूगल फॉर्म भर दीजिए. एंड इसका कोर्स लॉन्च हम जल्दी करेंगे. एंड वी आर मास्टर्स, हमारे इतने सारे स्टूडेंट आरबीआई के अंदर सिलेक्ट हुए हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स में सिलेक्ट हुए हैं, बैंकिंग में सिलेक्ट हुए हैं, इंश्योरेंस में सिलेक्ट हुए हैं, एग्री में, लीगल में, एक्सपर्ट्स जो हम हैं स्पेशलिस्ट एग्जाम के, हमारे टेस्टिमोनियल्स को आप देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप कोई भी जानकारी चाहते हैं क्लिक करिए फॉर्म पे, और जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा आपको बता दिया जाएगा. विद इन 1 or 2 डे हो जाएगा मैक्सिमम. सो स्टूडेंट्स तैयारी करना शुरू कर दीजिए. वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर. सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाइएगा और इसकी आगे अपडेट्स आपको देते रहेंगे, राइट? आप हमारे टेस्टिमोनियल भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स. आप हमारे टेस्टिमोनियल देख सकते हैं, आरबीआई के आप देख सकते हैं, नबार्ड है, ये देखिए इंश्योरेंस में वी आर लीडिंग, NIACL के आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे यहाँ सिलेक्ट हुए थे, नबार्ड है, SO है, PO है. सो हर एग्जाम के आपको यहाँ पे सक्सेस स्टोरी देखने को मिलेंगे. तो ऐसी सक्सेस स्टोरी आपको जनरली कहीं नहीं मिलेगी. तो स्टूडेंट्स तैयारी में लग जाइए. सो इतना ही था मेरी तरफ से. इस नंबर पे कॉल करके आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं कोर्स से रिलेटेड. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट.